आदरणीय उपसभापति महोदय, स्वच्छता और शुद्धता हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार है। हम घर में पर्व मनाते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं या जो हमारा आराधना स्थल होता है उसके बाह्य परिवेश को तो हम स्वच्छ करते हैं, लेकिन उसके अंतर मन को भी स्वस्थ रखने के लिए और स्वच्छ रखने के लिए श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय में 26 गुण बताए गए हैं और उस 26 गुणों के आधार पर ये कोई ये कहे कि आज ये बात है तो उस 16वें अध्याय के 26 गुणों में भी एक गुण स्वच्छता का बताया गया है। जो 26 गुण हैं वो है निडरता, शुद्ध सात्विक वृत्ति, ज्ञान व योग में आस्था, दान दम यज्ञ स्वाध्याय, तप सरलता, अहिंसा सत्य, अक्रोध अहंकार शून्यता, शांति अपसगुन अर्थात पीठ पीछे बात न करना, दया भाव लालच न करना, कोमलता लज्जा चंचलता का अभाव, तेजस्विता क्षमाशीलता धैर्य, स्वच्छता और शुद्धता का भाव, विद्रोह न करना, अभिमान अथवा घमंड न करना, ये श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय में है। उसमें भी कहा गया है स्वच्छता और शुद्धता आत्मीयता से होनी चाहिए। इतना ही नहीं है, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और विवेकशील प्राणी इसलिए है कि अगर उसे विवेक नहीं होता तो शुद्धता और स्वच्छता की अपेक्षा ही नहीं करते, फिर तो हम उस श्रेणी में होते जिस श्रेणी में कहाँ खाना कहाँ जाना कोई जानकारी नहीं होती है। इसलिए शुद्धता और स्वच्छता यह मनुष्य के विवेकशील होने के कारण हमारा ये मौलिक कर्तव्य, हमारा मौलिक दायित्व बन जाता है कि हम इसके साथ जुड़े। उपसभापति महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गंदगी को अपराध माना था। प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2014 को श्री नरेंद्र भाई मोदी ने वो आह्वान किया था। सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री ऐसी बातें नहीं करते रहे आज तक, लेकिन देश की प्राथमिकता, देश की आवश्यकता और सामान्य मौलिक भाव क्या होना चाहिए एक नागरिक का, सिविक सेंस। इस देश में वोटर सेंस तो बहुत डेवलप किया गया, आप हमें वोट देंगे तो हम ये दे देंगे, आप हमें वोट देंगे, लेकिन आज भी 70-72 साल बाद लिखना पड़ता है इस देश में, बाएं चलिए दाएं चलिए, गाड़ी मत खड़ी करिए। ये क्या है? कारण है कि हमने अपने सिविक सेंस को, नागरिक बोध को छोटा कर दिया और मत बोध वोटर सेंस को बढ़ा दिया। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने वहां से आह्वान किया कि स्वच्छता अभियान यह हमारा जन आंदोलन बनना चाहिए। और फिर मैं कहना चाहता हूं जो मैंने कहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात, उन्होंने महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के स्वदेश आने के बाद सत्य रिस्की पर उन्होंने श्रद्धांजलि के तौर पर उनकी प्रिय स्वच्छता को देश ने अपनाने की अपील की थी। सबसे पहले गांधी जी ने यह अपील देश व आज के जन आंदोलन बन चुका है। देश में मैं अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं, लेकिन गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छता, उनके स्वयं के कुछ कार्य सदैव हमको याद रखना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने 104 साल पहले 1915 में गंदगी को अपराध माना था, कहा था गंदगी यानी अपराध, और उस पर के बाद वो आजीवन इस कार्य में लगे रहे। वो एक अंग्रेजों से लड़ते भी रहे, उसके बावजूद जब हां उनका प्रवास भारत में होता था तो वे सबसे पहले गंदगी को दूर करने का, स्वच्छता के प्रति आकर्षण रखता था उनका। अनेकों प्रसंग इतिहास में मौजूद है, लेकिन एक बहुत ही जागरूक संस्मरण है, गांधी जी गुरुदत्त रविन्द्रनाथ टैगोर के आश्रम शांति निकेतन कलकत्ता गए। वहां 3 दिन रहने का कार्यक्रम बनाया था उन्होंने, और गांधी जी अपने स्वभाव के अनुसार थे। जब वहां गए तो साथ में आचार्य कृपलानी जी भी थे, और आचार्य कृपलानी जी को गांधी जी ने कहा कि कैसा आश्रम है भाई, इतना बड़ा आदमी रविन्द्रनाथ टैगोर यहां रहते हैं। उसके बाद गांधी जी का मन एकदम हिल गया। आचार्य कृपलानी के मुताबिक ये आचार्य कृपलानी जी ने लिखा है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के आश्रम में साफ सफाई के प्रति जो उदासीनता दिखाई गई थी, गांधी जी जो कुछ बात करने गए थे
सबसे पहले शांति निकेतन की साफ सफाई में उन्होंने पूरा दिन गुजारा वहां पर, और शांति निकेतन परिसर को इतना भव्य सुंदर बनाया कि जब रविंद्रनाथ टैगोर जी आए, उन्होंने कहा मैं अपने ही आश्रम में आया हूं कि कहीं बाहर आ गया? तो गांधी जी ने उनको कहा कि स्वच्छता कार्य सिद्धि की पहली प्राथमिकता है, पहली सीढ़ी है। अगर आपका मन स्वच्छ नहीं है, परिसर स्वच्छ नहीं है, आपका परिवेश स्वच्छ नहीं है, तो आप किसी भी काम में अशुद्धता ही करेंगे, कभी नहीं आगे जा सकते। और इसलिए उन आश्रम में उन्होंने फिर कहा रविंद्रनाथ जी से कि आप कृपा करके इस दृष्टि में पहला कार्य आप जब उठें तो अपने हाथ से करिए, तो आश्रम में रुकने वाले लोग भी इस दिशा में काम करेंगे। और उन्होंने यहां यह स्मरणीय है कि गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि मिली थी, माननीय उप सभापति महोदय जी, ये महात्मा की उपाधि उसी 3 दिन के कार्यकाल में रविन्द्रनाथ जी टैगोर ने दिया था कि सच में है, आप महात्मा हैं। 1920 में गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गुजरात में, और गुजरात में यह विद्यापीठ आश्रम के जीवन पद्धति पर यदि आप जाएंगे और देखेंगे, जो लोग जाते हैं वहां पर, उन्होंने शिक्षक हो, छात्र हो या स्वयंसेवक जो उनके वहां काम करते हैं, कर्मचारी हो, कार्यकर्ता हो, उसके कार्य का प्रारंभ सूर्योदय होते ही स्वच्छता से शुरू होता है। आज भी वह गांधी जी के किए गए कार्यों को आज भी वहां देखा जा सकता है। विद्यापीठ के रिहायशी कुटीरों में, गलियों में, कार्यालयों में, अन्य जगह जहां भी आप जाएंगे, तो वहां आपको सबसे पहले आश्रम में जो रुकने आते हैं उनके लिए वहां लिखा हुआ है कि आप प्रातः यह कार्य करेंगे स्वच्छता का, और सोने से पूर्व भी स्वच्छता का अवलोकन करने के बाद सोएंगे। लोग गांधी जी के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करते थे, लोग चाहते थे मैं गांधी जी का कार्यकर्ता बन जाऊं, लेकिन गांधी जी के पास जो लोग रहना आना चाहते थे उसको गांधी जी कहते थे कि मेरे साथ रहना आसान नहीं है, क्योंकि मैं जैसा करता हूं वैसा करोगे, पहली ड्यूटी होगी कि तुम आश्रम की सफाई, चाहे वो शौचालय की हो, चाहे वो बाथरूम की हो, चाहे जिस तरह की, क्या मेरे साथ करोगे? मेरे व्यक्तित्व के आकर्षण से मत समझो कुछ, आश्रम के जो नियम हैं और जो मैं स्वच्छता के प्रति अपना समर्पण है, अगर उसके साथ कुछ काम कर सकते हो तो तुम मेरे साथ जरूर काम कर सकते हो। 19 नवंबर 1925 को यंग इंडिया में गांधी जी ने भारत में स्वच्छता के बारे में अपने विचार को रखते हुए कहा था कि देश के अपने भ्रमण के दौरान पूरे भारतवर्ष का उन्होंने दौरा किया था, और पूरे भारतवर्ष का दौरा करने के बाद वो जब आए और कुछ लोगों से चर्चा की तो बहुत दुखी थे गांधी जी। तो लोगों ने पूछा क्या बात है गांधी जी, आप दुखी क्यों हैं? उन्होंने कहा भारत में सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं जहां जहां गया वहां गंदगी देखकर मेरा माथा झुक गया, मेरा मन खराब हो रहा, इतनी गंदगी मैंने कभी नहीं देखी। और उसके साथ उन्होंने कहा कि इसके लिए अपने को एक आंदोलन करना पड़ेगा। आज जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में स्वच्छता का एक अभियान की तरह चलाने की बात की है, उन्होंने कहा कि मन से स्वीकार कीजिए, अगर आप इसे चाहते हैं तो उसके जन आंदोलन बनाइए, यह राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता, यह वोट बैंक का मुद्दा नहीं हो सकता है। और इसलिए उन्होंने कहा, उन्होंने एम्बेसडर बनाए और देश के गणमान्य लोगों को जोड़ा उसके साथ कि स्वच्छता चाहे सचिन तेंदुलकर हो या अमिताभ बच्चन हो, आपको भी करना पड़ेगी। और प्रधानमंत्री जी ने वाल्मीकि कॉलोनी से दिल्ली में उस कार्य को शुरुआत किया था, चैरिटी बिकम्स होम। और इसलिए हम सबको इस बारे में विचार करना चाहिए। अब भारत में गांधी जी के बाद अगर गांधी जी के विचारों से सहमत होते हुए किसी व्यक्ति ने काम शुरू किया तो उसका नाम है, जिसने सोच का वैज्ञानिक निस्तारण सुलभ इंटरनेशनल माध्यम से किया, उसका नाम है डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक, जिसे पद्म भूषण मिला है, और आज नहीं मिला है, सन 1984। और इसलिए उन्होंने गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए
मैं घटना सुनाता हूं विंदेश्वरी पाठक जी की। जब वो एमए पास आउट होकर पटना से गांव गए तो गांव में लोगों ने कहा, ये क्या कर रहे हो भाई, तुम जनेऊ पहनते हो, चुटिया रखते हो, क्या कह रहे हो ये? क्या करते थे जो लोग लैट्रिन जाते थे खेत में, तो वो जब सूख जाता था तो तस्सल लेकर वो उससे कुदाली से सब साफ करते थे। लोगों ने कहा ये पागल हो गया है। विंदेश्वरी पाठक ने इतने चीजों को झुकने, इसके बाद भी झुके नहीं, वो अपने अभियान में लगे रहे। और आज यही कारण है कि 1 लाख से ज्यादा मानसेवी और 44 कंट्रीज में सुलभ इंटरनेशनल एक मानव की संवेदनशीलता का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे काम करने वाले को मैं नोबेल पुरस्कार जो देते हैं, जो लोग जिसकी छानबीन करते हैं, मेरा निवेदन है उनसे कि भारत में भी एक ऐसा व्यक्ति है जो ना जनऊ की चिंता की, ना चुटिया की चिंता की, ना जात की चिंता की। उसने कहा मनुष्य का मल यदि गंदगी फैलाता है तो उसके दूर करने के उपाय, खाली आलोचना नहीं की उन्होंने उसको दूर करने के लिए सुलभ इंटरनेशनल। और आज देखिए, मैं जाता हूं, मुझे खुशी होती है सभापति महोदय, मेरी माता जी का निधन हुआ, मैं अभी गांव गया था। मैं जब गांव जाता था तो वहां देखता था कि अंधेरा होते ही लोटा ले लेके लोग सड़क के किनारे बैठ जाते थे। मैं अवाक था इस बार, मैंने लोटे वालों की तलाश करने के लिए नेपाल के बॉर्डर तक गया, मेरा गांव नेपाल के पास, लेकिन वहां पर भी मुझे कोई एक लोटा नहीं मिला जो लोटा लेके जाता हूं। हम 14 किलोमीटर की दूरी से भारत में रहते हैं वहां से। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ है? उनने कहा साहब, प्रधानमंत्री शौचालय में इतने शौचालय बन गए हैं, माता बहनें इतनी खुश थी, ये क्या होता है? हम हर चीज को जब राजनीतिक निगाह से देखते हैं तो वह जन आंदोलन नहीं बन पाता, लेकिन मुझे खुशी है कि लोगों ने, चाहे वो किसी पार्टी के सरपंच हो, किसी पार्टी के मुखिया हो, सब ने मिलकर एक अभियान के तहत किया। और आज गौरव के साथ कहता हूं कि सड़कों के किनारे की गंदगी आप चाहे टॉर्च लेके जाइए, आपको नहीं मिलेगी वहां पे। पिछले 5 दशकों में मैंने विंदेश्वरी पाठक जी की बात इसलिए बताई कि बहुत यातनाएं सही उन्होंने इस काम के प्रारंभ में, इसलिए अगर आप किसी चीज को लाते हैं तो उसका फिर समाधान करने की भी कोशिश की जानी चाहिए। 150वीं वर्षगांठ है गांधी जी की। आज भारत खुले सोच से मुक्त हो गया है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को सत सत बधाई देना चाहता हूं, अद्भुत कार्य हुआ। स्वच्छ भारत मिशन के इंद्र के एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं में से एक अहम प्राथमिकता यह है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस अभियान को प्रारंभ किया और उन्होंने अपेक्षा की और एक नहीं सभी मंत्रियों को, सभी सांसदों को। मैं कभी कभी सोचता हूं, मैंने जवाहरलाल नेहरू, जब मैं बंबई में पढ़ता था तो मैं 6 साल का था, 1964 में वो रोड से निकले थे एम्पाला गाड़ी में, उस समय इतना बॉडीगार्ड ये सब नहीं होता था, गुलाब का फूल, हम लोगों को स्कूल में गुलाब का फूल दिया गया था कि नेहरू जी जब निकलेंगे बॉम्बे आगरा रोड से तो उन्हें सब बच्चे एक एक गुलाब का फूल देंगे। मैं बात ये इसलिए कहना चाह रहा हूं कि छोटे से छोटी जगह पे जाइए, स्वच्छता देखने लायक होना चाहिए। हम लोगों को एकदम कहा गया कि एकदम नहा धो के बढ़िया कपड़ा पहन के, क्योंकि नेहरू जी आ रहे। और आज देश में प्लास्टिक बिनने का काम, प्लास्टिक भी बहुत रोगों का जनक है, किसने शुरुआत की? क्या इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं हुए? जब आदमी के मन में जुनून होता है कि मेरा भारत स्वच्छ होना चाहिए, हम ऑस्ट्रिया से आते हैं, हम स्विट्जरलैंड से आते हैं, हम थाईलैंड से आते हैं, हम मॉरिशस से आते हैं, और ये क्या सफाई है, मैं सिर्फ सुनता रहता था, क्या ये सफाई भारत में नहीं हो रही? और ये जो सुनते थे, इसलिए धीरे धीरे इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया। 2 अक्टूबर 2019 से ये मिशन शुरू हुआ और 130 करोड़ भारतवासियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, और मैं भी आज यहां खड़े होकर सदन के भीतर आप सभी की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूं कि आज भारत पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त हुआ है। इसका सारा श्रेय जन आंदोलन को जाता है जिसे भारत की जनता ने स्वीकार किया है। स्वच्छ भारत मिशन के शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से जाने के बाद
देश भर में 10,50,588 शौचालय बने और इसमें 5,64,658 गांव को खुले शौच से मुक्त कर दिया गया। अब यह सामान्य उपलब्धि नहीं है। अगर हम जन को खड़ा कर देंगे, अगर जनता को हम खड़ा कर देंगे तो जनता इस देश में उस अभियान में, जैसे कल जावड़ेकर जी ने कहा कि बीजिंग में 15 साल में हुआ, अब उन्होंने कहा कि हम यहां और जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, जन जागरण करेंगे, अखबार ने छाप दिया 15 साल में होगा, समझ में नहीं आया। इसलिए मौलिक कर्तव्य हमारा, ये मौलिक दायित्व, ये कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए और इसलिए मैंने ये बात यहां रखने की कोशिश की है। स्वच्छ भारत मिशन सफल रहा है। स्वच्छता को संविधान के मौलिक कर्तव्य में शामिल की जाने की आवश्यकता है। केंद्रीय जनशक्ति मंत्रालय की माने तो स्वच्छता अभियान सतही जल, मिट्टी या वाय रहित पर्यावरण के सभी पहलुओं के साथ ही खुले में शौच से मुक्त क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों में स्वास्थ्य और कल्याण का बहुत प्रभावित हुआ। देखिए, स्वच्छता सिर्फ सफाई नहीं है, उसके कारण भारत में 3 लाख लोग डायरिया से मरते थे, 3 लाख लोग। लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि इसमें 75% से कम संख्या में आई है और आज डायरिया से मौत कम हो रही है। गांव गांव में डायरिया फैल जाता था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 के अध्ययन में अपने अनुमान व्यक्त किया था कि भारत के खुले में शौच से मुक्त हो जाने पर स्वच्छ भारत मिशन 3 लाख से अधिक जिंदगियां, आज 3 लाख से अधिक जिंदगी बच रही है स्वच्छ भारत अभियान से। और इसलिए इस अभियान को जो सफलता मिली है, ये उपलब्धियां सतत तभी बनी रहेगी जब प्रत्येक देशवासी स्वच्छता को अपना कर्तव्य मानेगा। देखिए, अधिकारों के लिए तो हम हमेशा लड़ते हैं, लेकिन नागरिक की भी ड्यूटी है और इस नागरिक की ड्यूटी का एहसास प्रधानमंत्री के नाते इस धरा पर भारत में अगर किसी ने कराया है कि सिर्फ हम नागरिक नहीं, हमारी ड्यूटी भी है, हमें यह चाहिए जब तक मांग न पूरी होगी, ये सब चीजें हो, लेकिन नागरिक के नाते जो कर्तव्य है, जो नागरिक बोध है, उसका भी जागरण होना चाहिए। इसके सुनिश्चितकरण के लिए आज संविधान में प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। स्वच्छता अभियान को मौलिक कर्तव्य में शामिल किया जाना चाहिए। संविधान में मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य पहले से संविधान में नहीं थे, इन्हें संविधान 42 में संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में इसकी संख्या कुल 11 है। संविधान के भाग 4 में सन्निहित अनुच्छेद 51 क मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि, अब मैं जरा उन कर्तव्यों को जरा बता देता हूं, उसके बाद मैं निवेदन करूंगा। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को आदर दें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए ख, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें। भारत के प्रभुत्व, एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। घ, देश की रक्षा को और आह्वानित किए जाने वाले, राष्ट्र के आह्वान करने वाले मुद्दे पर अपना आकर्षण भी दिखाएं, काम भी करें। डॉ, भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हो। इन सभी प्रथाओं का त्याग कर जो महिलाओं को सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, गौरवमयी परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य प्राणी आदि रहते हैं, की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव दिखाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आखिरी है, यदि आप माता पिता के संरक्षक हैं या संरक्षक हैं, तो 6 से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल यथास्थिति बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस 86वें संविधान संशोधन 2002 में हमारा जोड़ा गया। आदरणीय उपसभापति महोदय, ये सारी बातें बताने, बहुत लंबा विषय हो सकता है,
स्वच्छता हम अपने घर को रखना चाहते हैं साफ, और आप देखेंगे तो मैंने उन लोगों को देखा जो अपने घर के पूरे पॉट को साफ करते हैं। लेकिन नगर पालिका में चले जाइए, नगर पालिका के लैट्रिन को देखिए। मैंने जो सुलभ इंटरनेशनल की बात की इसलिए की कि एक जगह नगर पालिक निगम का भी शौचालय था और एक तरफ सुलभ इंटरनेशनल का भी था, दोनों में जमीन आसमान के अंतर थे। एक में पॉट गायब, एक का किवाड़ गायब, एक की साखड़ गायब, लेकिन वही केयर टेकर था, तीन लोग ड्यूटी करते हैं। और इसलिए मौलिक कर्तव्य में जब हम जोड़ेंगे इसको तो नागरिक का भी भाव बढ़ेगा। देश हमारा है, हम भारत नहीं रहेगा तो हम किस गर्व से कहेंगे कि हम भारतीय हैं? कहने का हमें कोई गर्व नहीं होगा। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के इस आह्वान को देश ने स्वीकार किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जब वार हुआ था और देश में गेहूं का संकट हुआ था, तो नेहरू जी ने कहा था कि एक दिन सोमवार को उपवास करिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, लाल बहादुर जी की बात सारे लोगों ने मानी थी। मैं भी उस समय पढ़ता था, मेरे घर में भी एक ड्रम रखा गया और उस ड्रम में शाम के जितने खाने के सामान बनते थे सब उसमें चावल गेहूं जो भी था आटा रख दिया जाता था। और उसके बाद अगर इस देश में प्रधानमंत्री के नाते 130 करोड़ व्यक्ति, अगर किसी नागरिक यदि किसी नेता की बात सुनता है तो अपने देश के प्रधानमंत्री को। और इसलिए कि स्वच्छता में जीवन है, स्वच्छता में जिंदगी है, स्वच्छता में सांस है, स्वच्छता में भारत है, इसलिए मैंने निवेदन किया है सदन से और अपने आप से किया है कि इसमें मौलिक कर्तव्य में स्वच्छता को जोड़ा जाए। और यह अगर हो जाता है तो मुझे लगता है कि हम नागरिकों का भी सम्मान बढ़ेगा, स्वच्छता अभियान हम स्वच्छता हमारा एक कर्तव्य बन जाएगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।